गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते। मैं रेखा आपको स्वागत करती हूँ मेरे ब्लॉग में, रेखा ब्लॉग में। तो आज सुबह सुबह और सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। अभी आप देख पा रहे होंगे मैं पूजा करने के लिए बैठी हूँ और सुबह का जो है वो नाश्ता हो चुका है। हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं तो अभी थोड़ा पूजा कर लेती हूँ, फिर आप लोग से बातचीत करती हूँ। आज पहले जल्दी कर लेती थी लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया। मैं अभी तक तो कुछ खाई नहीं हूँ, थोड़ा पूजा कर ले। बाद में करूँगी अच्छे से, तुम थोड़ा पहले अगरबत्ती जला के चले जाओ। तो वो जला के चली जाती है। श्रीवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्ष्य मामृताय हरिओम। गगन सदृशा मेघवर्णं सुभांगनं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं ज्योतिर्विद्यानगम्यं वंदे विष्णु। तो अभी आप देख पा रहे होंगे मेरा पूजा हो चुका है। देखिए मेरा छुटकू को उसका चोटी काट दी, मैं आपको दिखा। तो ट्रीट ट्रीट खाई, वो देखिए उसको उसको थोड़ा चोटी काटा गया है गर्मी की वजह से। कैसे धोनो आ आ आ आ ट्रीट ट्रीट दे आ, देखिए ट्रीट के नाम पे कैसे होता है। ट्रीट देवी तू खिला पीबनी हाल कर दे छम्मत अंकु, मेरा चोटी काटा गया है। और एक कहाँ पर बैठा है, और एक शायद और एक रूम में बैठा है। दिया मैगी खा के गई, ब्रेड खा के गई, मैगी लेके गई। उसके बाद अभी छोटी बेटी जाएगी, उसके लिए रेडी करो, फिर खाना बनाओ, फिर ट्यूशन करो। अभी 9:30 बजे ट्यूशन है। चाय बिठा ली हूँ, आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। आज का ब्रेकफास्ट पराठा, आलू भाजी और चाय। चाय एक बार पी चुकी हूँ, इसे के टाइम में छोटी बेटी उठने के बाद थोड़ा चाय पीती है तो मैं भी थोड़ा चाय पी लेती हूँ। हाय प्रभु, निस्तेज लग जा रहा है, थोड़ा खा लेती हूँ उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सब लोग हाय बोल दो। रुद्राक्ष हाय बोल दो। अभी तो मेरा फिलहाल थोड़ा काम धाम खत्म करने के बाद अभी थोड़ा ट्यूशन चल रहा है। आप लोग देख सकते हो बच्चे लोग का एग्जाम चल रहा है तो थोड़ा पढ़ाई कर रही हूँ, इन लोग को पढ़ा रही हूँ। हो जाने के बाद फिर आप लोग कैसे पढ़ रहे हो रे, कैसे प्रिपेरेशन हो रहा है बोल दो रोना। हेलो, देखिए बच्चे लोग का मस्ती और पढ़ाना सब कुछ एक साथ। तो दोस्तों कुछ काम खत्म करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन पे, और आज मैं आपको एक भिंडी का एक आइटम बना रही हूँ जो हमारा उड़ीसा का फेमस है। हम लोग का जो पश्चिम उड़ीसा की तरफ से मैं हूँ तो हमारा तरफ ना भिंडी का एक खट्टा, मतलब जिसको हम दही भिंडी बोलते हैं, वो बहुत अच्छे से बनाया जाता है। मेरी मम्मी मैंने बहुत अच्छे से बनाती है और मुझे ये बहुत पसंद है भिंडी का, ये जो दही भिंडी है ना। तो मैं आज ये आप लोग के सामने बना के दिखाऊंगी, आपको अच्छा लगेगा। ये ना बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं यहाँ पे लगभग 10-12 भिंडी ली हूँ तो मैं अभी इसको काटूंगी। तो मैं आपको बता रही हूँ मैं इसको कैसे काटूंगी। इसको छोटा छोटा पीस करके मैं पहले काट रही हूँ, आपको दिखा देती हूँ। भिंडी को ना मैं पहले अच्छे से इसको धो लिया है तो इसको अभी हम लोग कट करेंगे। तो मैं उसको काटूंगी, देखिए इधर से और इधर से हो गया। अभी मैं उसको ऐसे छोटा छोटा करके, जैसे आप लोग भिंडी फ्राई करते हो ना वैसे, मैं पहले ये सबको काट लूंगी। तो देखिए आप अभी देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पे एक कड़ा डालूंगी
आप यहाँ पे रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते, थोड़ा सा मैं यहाँ पे सरसों का तेल डाल रही हूँ। पहले हम लोग ना ये भिंडी जो हम लोग काटे हैं ना, पहले हम उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए मैं ये भिंडी को पहले, पहला जो स्टेप है ये भिंडी को फ्राई करना। यहाँ पर मैंने भिंडी को थोड़ा सा सरसों के ऑयल में भिंडी को फ्राई करना है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा नमक डाल देंगे, ज्यादा नहीं क्योंकि हमको दही में भी नमक डालना है। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी देके पहले हम लोग इसको फ्राई कर लेंगे। और इसको ढकेंगे नहीं, इसको छोड़ देंगे। तब तक मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक कटोरी दही ली हूँ, उसमें मैं थोड़ा सा बेसन डालूँ ताकि ये दही थोड़ा मोटा हो। इसमें थोड़ा हम पानी भी ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे देखिए दही दी हूँ, एक कटोरी दही ली हूँ किचन भिंडी के लिए। आप चाहो तो कम भी दही ले सकते हो, उसमें आप पानी भी डाल सकते हो। मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, आप अगर ज़्यादा पानी वाला चाहोगे तो पानी डालोगे, अगर कम पानी वाला चाहोगे तो पानी नहीं डालोगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा कटोरी में, जैसे ये कटोरी में ना, मैं थोड़ा सा पानी ले रही हूँ। देखिए इतना सा पानी लूंगी ये कटोरी में, मैं एक कटोरी पानी दही में डाल दूंगी। देखिए ये ना एक कटोरी पानी ना मेरे दही पे, बस मुझे उतना ही चाहिए। और ये दही में मैं थोड़ा सा बेसन डाल दूँ, इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि हम लोग तो भिंडी में भी, मैं कम भिंडी का बना रही हूँ ना इसी वजह से, इसमें भी मैं थोड़ा सा डालूँ। बस जो भिंडी में आप दही नमक डालोगे ना, इसमें भी आप दही में भी, भिंडी में जो आप नमक हल्दी डालोगे ना, आप यहाँ पे भी थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते। थोड़ा सा हल्दी डालने से और थोड़ा अच्छा दिखता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी बेसन ली हूँ, थोड़ा सा नमक हल्दी देके इसको हमें अच्छे से मिला दूंगी। बस इसको हम अभी चला लेंगे। ये थोड़ा सा ज्यादा कुरमुरा नहीं होगा कि पूरा कच्चा भी नहीं होगा, थोड़ा सा जैसे भिंडी जैसे कलर अपना देता है ना लाल करके, तो ऐसी तरह से हम उसको फ्राई करना है। मैं एक टमाटर भी ले रही हूँ, ये ऑप्शनल है, ये आप ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो। ये टमाटर को भी मैं छोटा छोटा करके काट दूंगी। टमाटर को देखिए ये ऑप्शनल है, आप इसको ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो। देखिए लगभग मेरा थोड़ा सा देख पा रहे होंगे, देख पा रहे मेरा में कुरमुरा हो गया है। अभी मैं इसको निकाल लूंगी। ये बहुत जल्दी बनता है दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है। मेरी मम्मी तो इसे ना बनाती थी, जो हम लोग ना जब ऐसे मार्च अप्रैल हो जाता था तो कुछ नहीं तो चावल बना लेती थी। दाल तो हमारे घर में, मम्मी के घर में कंपलसरी बनता ही बनता है, क्योंकि मेरे घर में सब लोग दाल खाते हैं। बिना दाल का मेरे पापा मेरा भैया सब लोग खाते हैं। मुझे ये पसंद था चावल के साथ खाने के लिए। मैं देखिए थोड़ा सा और थोड़ा सा एक चम्मच ऑयल ले ली हूँ, उसमें अभी हम लोग क्या करेंगे, फूरन बनाएंगे, इसका तड़का लगाएंगे जिसको आप बोलते हो। देखिए मैं तेल मेरा गरम हो गया है, थोड़ा सा डालूंगी सरसों, थोड़ी सी डालूंगी पंचफूरन, दो सूखा लंका, कड़ी पत्ता, थोड़ी सी डालूंगी सौंफ,
क्योंकि मैं ना पंचफूरन जो है वो कम डाली थी। ये अच्छे से हम लोग का हो जाएगा ये जो तड़का। उसके बाद मैं थोड़ा सा खुशबू देने जब शुरू हो जाएगा ना, तो यहाँ पे मैं डालूंगी टमाटर जिसको मैंने छोटा छोटा करके काट लिया है। इसको थोड़ा सा हम चला लेंगे ताकि थोड़ा सा अच्छे से पक जाए। आप इसको ना एक बार जरूर ट्राई करिए और मुझे बोलिएगा कि आपको कैसा लगा। चावल के साथ ही आप खाइए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। भिंडी की सीजन में ना हम लोग ये खाते ही खाते हैं। देखिए माँ से जो बेटी सीखती है ना, तो वो एक एक करके याद आती है ना। जब बहुत अकेला, मैं तो मेरी मम्मी के साथ जा भी नहीं पाती हूँ, साल में एक बार भी, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या करूँ, जो जो लोग अपने मम्मी पापा के पास रहते हैं वो लोग सच में नसीब वाले होते हैं। देखिए हो गया ना थोड़ा सा। देखिए अभी हम इस टाइमिंग में क्या करेंगे, हमने जो दही बेसन नमक हल्दी डाला था उसको डाल देंगे और तुरंत बंद कर देंगे गैस को। बस तुरंत हम लोग गैस को ऑफ कर देंगे और उसके बाद अगर आपको इच्छा होगा तो थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हो, थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हो। और उसके बाद ये जो भिंडी हमने जो फ्राई किया था उसको डाल देंगे। ये हमारा बनके रेडी हो गया दही भिंडी। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना अच्छा दिख रहा है। वाह देखिए, ये मेरा दही भिंडी बनके रेडी बस हो गया और कुछ नहीं चाहिए। देखिए दोस्तों मेरा दही भिंडी देखिए कैसा लग रहा है बोलिएगा। आज का मेरा वीडियो यहीं तक था क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं आज थोड़ा तो इवनिंग में थोड़ा छोटा मोटा काम है, फिर वो मैं आप नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। तो आज का ब्लॉग आप पसंद करिएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। बहुत पसीना, बहुत ही गर्मी लग रहा है, किचन में खड़ा होना मेरा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, फिर भी ये जरूर ये चीज़ बनाइए दही भिंडी और खाइए, और कैसा लगा बोलिएगा। जाते जाते एक लाइक करिएगा अगर अच्छा लगा, और जो लोग मेरे चैनल में जुड़ने को चाहते हैं वो लोग सब्सक्राइब करिएगा। जय जगन्नाथ।